नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने बी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आश्रम व्यवस्था का टॉपिक लिया था। ये जो अपने यूनिट चल रही है वो भारतीय संस्कृति के तत्वों वाले यूनिट हैं और इसमें हमने सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था पढ़ी है। आज इसका दूसरा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। प्राचीन काल में भारतीय समाज चार भागों में बटा हुआ था, चार वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यद्यपि ये व्यवस्था कर्म प्रधान थी, जो व्यक्ति जिसे कर्म करता था उसे उसी वर्ग में गिना जाता था। और ये जो चारों वर्ण हैं इनके पीछे हमारी मान्यता है कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से हुई है, ये इसमें आगे हम पढ़ेंगे। वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः कर्म पर आधारित थी। सभी मनुष्यों को कर्म के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया। जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करने के अधिकारी थे या धार्मिक क्रियाओं में प्रवीण थे तथा जिनके पास बौद्धिक संपदा सर्वाधिक थी, बुद्धि संपन्न जो लोग थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया, क्योंकि इनका काम था अध्ययन करना और अध्यापन करना। अध्यापन करने के लिए अध्ययन करना जरूरी है, ज्ञान अर्जन जरूरी है। और जो व्यक्ति शासन करने में अथवा धर्म की रक्षा करने में समर्थ थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। वाणिज्य अर्थात व्यापार, कृषि, पशुपालन तथा व्यवसाय में प्रवीण लोगों को वैश्य की श्रेणी में रखा गया, जबकि जो सर्वाधिक अनुपयुक्त व्यक्ति थे, जो किसी काम के नहीं थे, जो न तो व्यापार कर सकते थे, न रक्षा कर सकते थे, न जो अध्ययन अध्यापन कर सकते थे, वे शूद्र कहलाते थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार इन चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से हुई। एक श्लोक आता है, ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद्वेश्य पदभ्याम शूद्र हो जायित। इसका अर्थ है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, बाहु अर्थात भुजाओं से राजन्य क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उरु अर्थात जंगा से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पदभ्याम पैरों से शूद्र हो जाएगा, शूद्र वर्ण उत्पन्न। अब चारों वर्णों के क्या क्या कर्तव्य हैं इसके लिए देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं, इसमें आया कि अध्ययनम अध्यापनम अध्ययनम अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम अकर्तव्य। ब्राह्मण के कर्तव्य अध्यापन करना अर्थात पढ़ाना, अध्ययनम अर्थात अध्ययन करना, यजनम यज्ञ करना, याजनम यज्ञ करवाना, दानम दान देना और प्रतिग्रहम अर्थात दान लेना ब्राह्मणानाम अकर्तव्य। ब्राह्मणों के लिए इन इन कर्मों की कल्पना की गई है। डिटेल में इसमें दिया हुआ है कि समाज के हित हेतु धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करता था ब्राह्मण, राजा को पुरोहित के रूप में उचित परामर्श देता था, ब्राह्मण व्यक्ति को प्रत्येक वर्ण में से एक एक पत्नी रखने का अधिकार था। इसका तात्पर्य था कि ब्राह्मण चार पत्नियां रख सकता था, एक ब्राह्मण वर्ण की, एक क्षत्रिय वर्ण की, एक वैश्य वर्ण की और एक शूद्र वर्ण की। ब्राह्मण अवध्य, अदंडे, अपरिहार्य तथा अबहिष्कार्य माना जाता था। उसका वध नहीं कर सकते, उसको दंड नहीं दे सकते, उसको समाज से बहिष्कृत नहीं कर सकते और उसे अपरिहार्य उसे रोक नहीं सकते किसी कारण। भगवान मनु ने ब्राह्मण की हत्या को महापातक माना है, महापाप। वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान लेना दान देना ब्राह्मण के मुख्य कर्तव्य थे। विषम परिस्थितियों में ब्राह्मण वर्ण्यतर कर्म भी कर सकता था, अर्थात अपने वर्ण से भिन्न वर्ण का कर्म भी कर सकता था। जैसे वह सेना में भी शामिल हो सकता था, रक्षा का काम भी कर सकता था, व्यापार भी कर सकता था, सेवा भी कर सकता था। दूसरा वर्ण आता है क्षत्रिय। प्रजानाम रक्षणम दानम इज्जा देनम एव च विषय सौ प्रसक्ति से क्षत्रिय से समासत। प्रजा की रक्षा करना, दानम दान देना, इज्यम यज्ञ करना, अध्ययनम अध्ययन करना, विषय सु अप्रसक्ति से और विषयों में अनासक्ति रखना, ये समासत अर्थात संक्षिप्त रूप में क्षत्रिय से क्षत्रिय के कर्तव्य थे। डिटेल में दिया हुआ है कि चारों वर्णों का संरक्षण तथा धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों के मुख्य उत्तरदायित्व थे। क्षत्रियों को वेदाध्ययन और अध्यापन का भी अधिकार था। स्वस्थान करना
यज्ञ करना, स्वाध्याय करना और भूमि की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के कर्तव्य थे। विषम परिस्थितियों में क्षत्रिय वैश्य व शूद्र के कर्म भी कर सकता था, ब्राह्मण के कर्म नहीं कर सकता था। क्षत्रिय को शिक्षक बनने का भी अधिकार था, किंतु वो शुल्क या दक्षिणा नहीं ले सकता था। शुल्क या दक्षिणा लेना केवल ब्राह्मण का अधिकार था। न्याय की स्थापना तथा अधर्मियों को दंड देना भी क्षत्रिय का दायित्व था। युद्ध में जीती हुई सामग्री तथा अधीनस्थ राजाओं से प्राप्त उपहारों पर क्षत्रिय का अधिकार होता था। अब वैश्य के कर्तव्य हैं। वैश्य के विषय में कहा है कि पशूनाम रक्षणम दानम इज्जाधेनम एवच वणिक पथम कुशीदम च वैश्यस्य कृषि में विच। एक तो पशुओं की रक्षा करना, दानम दान देना, इज्जे यज्ञ करना, अध्ययनम वेदाध्ययन करना, वणिक पथम अर्थात व्यापार का काम करना, कुशीदम च और ब्याज का काम करना, पैसे उधार देकर उन पर ब्याज कमाना और कृषि कार्य, ये वैश्य के कर्म माने गए हैं। इसमें कहा है कि सारे समाज के भरण पोषण का दायित्व वैश्य पर ही था, क्योंकि उत्पादन तो यही करता था, कृषि भी यही करता था, पशुपालन भी यही करता था, तो अन्न दूध दही आदि की उत्पत्ति यही करता था, बाकी पूरा समाज अन्न की दृष्टि से इस पर निर्भर था। कृषि, दान, यज्ञ, वेदाध्ययन, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, ये वैश्य के प्रमुख कर्तव्य थे। वैश्य समाज जो कुछ भी उत्पन्न करता था उस पर संपूर्ण समाज व शासन का पूर्ण अधिकार होता था। वैश्य वर्ग को अपनी आय का षष्ठांश अर्थात 1/6 भाग कर के रूप में राज्य को देना पड़ता था। वैश्य वर्ग उधार दिए गए धन पर सूद अर्थात ब्याज भी वसूल करता था। इन्हें भी वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त था। अब अंतिम वर्ण है शूद्र। शूद्र के विषय में कहा है कि एकमेव तु शूद्र से प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। प्रभु ईश्वर ने शूद्र से शूद्र के लिए तो एकमेव कर्म समादिशत एक ही कर्म बनाया है, एतेषां वर्णानां शुश्रूषा इन तीनों वर्णों की सेवा करना और वो भी अनसूयया अर्थात निंदा रहित बिना निंदा किए हुए पूर्ण समर्पण भाव से सेवा करना ही शूद्र का एकमात्र कर्तव्य था। इनकी स्थिति निम्नतम थी क्योंकि इन्हें पतित तथा हेय माना जाता था। तीनों वर्णों की सेवा करना इनका मुख्य कर्तव्य था। इन्हें समाज के चरणों की संज्ञा दी गई थी। शूद्र का स्वयं का कोई धन नहीं होता था, उसके संपूर्ण धन पर स्वामी का अधिकार होता था। तीनों वर्णों द्वारा परित्यक्त वस्तुओं का शूद्र उपभोग करते थे। इन्हें वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि इनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। उपनयन संस्कार के बिना ये गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए ये वेदाध्ययन नहीं कर सकते। इस कारण ये द्विजों में शामिल नहीं थे। द्विज में वही शामिल होता है जिसका उपनयन हो जाता है। शूद्रों का अस्तित्व तीनों वर्णों की दया पर निर्भर था। तो साथियों, आज हमने ये वर्ण व्यवस्था पढ़ी भारतीय संस्कृति के तत्वों वाले यूनिट में। अब इसके बाद इसी क्रम में हम अगली क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।